पार्टी रही है। गणेश यादव वाइस प्रेसिडेंट आरडीए के जी। आज किस लिए हम लोग हड़ताल पर हैं और क्या मांगे हैं? आज हम लोग के लिए हड़ताल नहीं है, लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, हड़ताल है। सब लोग सुबह का राउंड लिए, सुबह के सारे काम करके और जिनकी इमरजेंसी ड्यूटी जो अपनी इमरजेंसी ड्यूटीज कर रहे हैं, इसके बाद लोग कार्य बहिष्कार करेंगे कि बाकी और जो छोटे मोटे काम होते हैं अपना कार्य बहिष्कार करेंगे, हम नहीं आएंगे। हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने डिमांड मांगने के लिए कि हमें पीजीआई की तुरंत सैलरी चाहिए। जब इस कॉलेज में 3 साल पहले से कर्मचारियों का फैकल्टी का मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का सबका एक पीरियड पीजीआई तुरंत पे हो गया है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा? जबकि हम 2.5 साल से लगातार आपसे बात कर रहे हैं सब चीज़ों के लिए कि नहीं हो रहा। इसके लिए इसको लेके हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने कोई स्ट्राइक नहीं की, इमरजेंसी सर्विसेज सारी चल रही है। हमने इवन ट्रामा इंचार्ज को, ट्रामा का जो MS है उनको हमने मांग कर दिया है कि अगर आपको ऐसा लगे कि इमरजेंसी में कोई जोड़ पड़ रहा है, इतना एजेंट चाहिए तो हम आपको एजेंट अवेलेबल करा देंगे। आपको सारे एजेंट चाहिए अगर इमरजेंसी इतना काम हो रहा है तो सब लोग चले आएंगे इमरजेंसी काम करने के लिए। इमरजेंसी सर्विसेज कोई बंद नहीं है, सुबह सबके काम हुए तो ऑलरेडी ये स्ट्राइक नहीं है, यह प्रोटेस्ट है हमारा। अब प्रोटेस्ट के बाद भी भाई साहब से बात हुई, वो बोल रहे हैं काम पर जाओ। हम ये काम तो 2.5 साल से कर रहे हैं, पिछली बार 3 तारीख को ऐसे कार्य बहिष्कार की बात हुई तो हमें समझाया गया कि 2 हफ्ते में हो जाएगा, तब से अब तक घुमाया जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री से बात हो गई, मुख्यमंत्री से बात हो गई, मुख्यमंत्री से बात हो गई है, जो सबसे बात हो रही तो काम क्यों नहीं हो रहा है? हमें बोला जा रहा है कि डेलीगेशन चलिए आपका मंत्री से मिलना, पहले सब जाइए, सब जाके क्यों मिलना हमें, मुलाकात करें इसके बाद हम सब चले जाएंगे काम पर, हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो हम बैठे रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर आपकी 1000 पास संख्या है, 200 लोग लगभग इमरजेंसी ड्यूटी पर है, बाकी 800 लोग काम नहीं कर रहे हैं।